देखिए अब देखते हैं ऑक्सी एसिड का सेकंड टाइप। सेकंड टाइप मतलब जिसमें क्या हो, सेंट्रल एटम कितने हो जाएं, टू। तो इसमें सेंट्रल एटम कितने हैं, टू। चलिए सेंट्रल एटम टू हो, हाइड्रोजन एन है और ऑक्सीजन कितने हैं, एम। तो एक सेकंड टाइप ये हुआ। जैसी स्ट्रक्चर इस ऑक्सी एसिड की बनेगी वैसे ही क्या होगी, X2OM, इसकी भी सेम स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी टाइप से बनेगी जिस टाइप से इस ऑक्सी एसिड की बनेगी। देखेंगे कैसे, ठीक है। अब इसका फंडा क्या है, अगर सेंट्रल एटम टू आ जाएं तो ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का फंडा क्या है, तो उसका फंडा आप ध्यान रखें। फंडा क्या है, सबसे पहले तो एक फंडा है कि पहला फंडा हो गया जितने एच होंगे इस मॉलिक्यूल में उतने ही क्या होंगे, OH ग्रुप, ठीक। तो जितने एच होंगे मॉलिक्यूल में उतने ही स्ट्रक्चर में क्या होंगे, OH ग्रुप होंगे, क्लियर। नेक्स्ट फंडा इसमें क्या है, ये जो सेंट्रल एटम है एक्स, अगर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकते हैं, किसका, एक्स का, अगर वो क्या है, लेस है, किससे, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट से। इस मॉलिक्यूल्स के अंदर एक्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर वो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल से क्या आ रही है, कम आ रही है। मैक्सिमम पॉसिबल कितनी होगी, जो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीजन स्टेट कितने होंगे, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल। तो हम कैलकुलेट करेंगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, अगर वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल से कम आ रही है, मैक्सिमम पॉसिबल कितनी हो सकती है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल, या कह लो कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आ रही है, तो उस केस में क्या होगा, एक्स एक्स बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, एक्स एक्स बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कब, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम लेस है अपनी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट से, या कह सकते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट, अगर ऑक्सीडेशन नंबर, इस एक्स की ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल है मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट के, या कह सकते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, तो फिर इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर में क्या होगा, एक्स ओ एक्स बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक। और लास्ट बस हो गया, देखिए अगर इसकी एक्स की जो ऑक्सीडेशन नंबर है, एक्स की जो ऑक्सीडेशन नंबर है इस मॉलिक्यूल्स के अंदर, अगर वो क्या है, अधिक है, किससे, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर से, ये कह सकते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो उस केस में, इस केस में मॉलिक्यूल की जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर एक्स ओ ओ एक्स बॉन्ड प्रेजेंट होगा, क्लियर। तो बस छोटी सी बात है, दो पॉइंट है जो याद रखने हैं आपको, क्या जितने एच हैं उतने ही क्या होंगे, OH ग्रुप स्ट्रक्चर में, और सेंट्रल एटम जो एक्स है, इस सेंट्रल एटम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉनों से कम है तो क्या होगा, एक्स एक्स बॉन्ड प्रेजेंट होगा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की बैलेंस इलेक्ट्रॉनों के इक्वल है तो क्या होगा, एक्स ओ एक्स बॉन्ड होगा, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम की अधिक है मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट से, या कह सकते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो उस केस में मॉलिक्यूल की जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो एक्स ओ ओ एक्स बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखिए हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेंट्रल एटम किसके लिए, हम जो फंडा पढ़ रहे हैं एक बार फिर बता दूं कि किसके लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा ऑक्सी एसिड जिसके पास दो सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम कौन हुआ, यहां पी। अब इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले हमको पता करना पड़ेगा कि इसके पास क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इस मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो देखिए कैसे करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर मैं आपको एक बार और बता दूं कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर हम प्लस वन लेके चलेंगे, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन नंबर माइनस टू लेके चलेंगे। तो यहां ऑक्सीजन हुआ माइनस टू, और ये कितने ऑक्सीजन है, सिक्स, तो कितना हुआ माइनस ट्वेल्व, और माइनस ट्वेल्व है, और यहां कितना होगा प्लस वन, और ये कितने है फोर, तो ये प्लस फोर, प्लस फोर और माइनस ट्वेल्व, तो कितना बचा माइनस का एट,
और ये हो गया, तो जब माइनस एट बचा तो पी टू का कितना हो गया प्लस एट, मगर ये पी कितने हैं दो, तो एक के हिस्से में कितना आएगा प्लस फोर। ठीक, एक बार और बता दें, ओ के ऑक्सीजन नंबर माइनस टू और ये कितने हैं सिक्स, तो कितना होगा माइनस ट्वेल्व, एच कितने हैं फोर, तो यहां से कितना हुआ प्लस फोर, प्लस फोर और माइनस ट्वेल्व कितना बचा माइनस का एट, और ये पी टू का कितना हो गया माइनस एट, मगर पी दो है तो एक पी का कितना होगा प्लस फोर। ठीक, चलिए अब इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर, अगर हम बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस फिफ्थ एक ग्रुप का एलिमेंट है, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे पांच, और पांच होंगे तो इसका मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है इस कंपाउंड के अंदर वो मैक्सिमम पॉसिबल से क्या है, कम है, और कम है तो इसमें क्या होगा एक्स एक्स बॉन्ड प्रेजेंट होगा, मतलब पी पी बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो कैसे पता चला कि पी पी बॉन्ड प्रेजेंट होगा, क्योंकि इस पी की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आ रही है फोर और मैक्सिमम कितनी हो सकती है फाइव, तो फोर जो है वो फाइव से कम है, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा एक पी पी बॉन्ड प्रेजेंट होगा। चलिए अब दूसरी बात, हाइड्रोजन चेक करें, हाइड्रोजन कितने हैं फोर, फोर एच है तो इसके पास क्या होंगे फोर ओ एच ग्रुप होंगे, अगर इसके पास फोर एच है तो इसके पास क्या होंगे फोर ओ एच ग्रुप, हमारे पास दो सेंट्रल एटम है तो आप क्या करिए चार ओ एच ग्रुप है तो दो इस पे दे दीजिएगा और दो इस, दो ओ एच ग्रुप इस फास्फोरस पे और दो ओ एच ग्रुप इस फास्फोरस पे, हमने इक्वल इनको क्या कर दिया डिवाइड। अब देखते हैं ऑक्सीजन कितने आ चुके हैं वन टू थ्री फोर, और मेरे पास ऑक्सीजन है कितने सिक्स, फोर आ चुके हैं सिक्स मेरे पास हैं, तो कितने बचे दो, तो एक ऑक्सीजन इस पे एक ऑक्सीजन इस पे, मगर इस ऑक्सीजन की बैलेंसी कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड लगा देंगे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड लगते इसकी बैलेंसी टू हो गई, तो ये बैलेंसी क्या हो गई कंप्लीट। बात करें कहीं फास्फोरस की बैलेंसी कोवलेंसी ज्यादा तो नहीं हो गई, ये कोवलेंसी है वन टू थ्री फोर फाइव, और फाइव कोवलेंसी फास्फोरस की हो सकती है क्योंकि ये फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है, मैक्सिमम बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं फाइव, तो इसकी मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी हो सकती है फाइव। ठीक, चलिए ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हुई। देखिए अब बात करते हैं पी, इसमें ऑक्सीजन नंबर निकालें तो माइनस फोर्टीन यहां से हुआ, माइनस फोर्टीन और प्लस का फोर यहां से हुआ, कितना बचा प्लस का टेन, और प्लस का टेन बाई टू करेंगे तो कितना होगा प्लस फाइव। अब प्लस फाइव क्या है, ये जो मैक्सिमम ऑक्सीजन स्टेट इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है वो कितना आ रही है प्लस फाइव, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसके कितने होते हैं फाइव, तो वो इक्वल आ रहे हैं, और इक्वल आ रहे हैं तो इसमें क्या होगा पी ओ पी बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब देख लें एच, एच कितने हैं फोर, फोर एच हैं तो इसके पास क्या होंगे फोर ओ एच ग्रुप होंगे, फोर ओ एच ग्रुप के लिए कैसे लगाएं दो ओ एच ग्रुप इस पे और दो ओ एच ग्रुप इस पे। कितने ऑक्सीजन आ चुके हैं हमारे पास फाइव है, कितने सेवन, तो दो ऑक्सीजन बचे, दो ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन इस पे डबल बॉन्ड से, एक ऑक्सीजन इस पे डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से क्यों, क्योंकि बैलेंसी हमें कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट बात करें यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम चेक करें तो यहां से हो गया माइनस सिक्सटीन, क्योंकि ओ की होगी माइनस टू और ये एट, तो माइनस सिक्सटीन प्लस फोर यहां चला गया तो कितना रह गया प्लस का ट्वेल्व, और प्लस का ट्वेल्व बाय टू करेंगे तो कितना आएगा प्लस सिक्स, और जो प्लस सिक्स है वो अधिक है किससे इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन से, तो इसमें क्या होगा अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन से अधिक आ गई ऑक्सीडेशन नंबर तो इसमें क्या होगा पी ओ ओ पी बॉन्ड होगा। बात करें एच की, एच कितने हो गए फोर, फोर एच एच हो गए तो फोर क्या होंगे ओ एच, दो इस पे और दो इस पे, एच आ गए हमारे पास सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, दो एच, दो ऑक्सीजन और बचे तो वो क्या लगा देंगे डबल बॉन्ड से, एक इस पे और एक इस पे। नेक्स्ट देखिए अब बात करें इसकी, तो इसके अगर हम आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, सबसे पहले जब स्ट्रक्चर बनानी है तो सबसे पहले निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, किस केस में अगर सेंट्रल एटम टू है तो। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप इसकी देखें तो कितनी आ जाएगी, यहां से हुआ माइनस टेन, ये होगा प्लस फोर, तो ये बचा प्लस सिक्स, बाय टू करेंगे तो कितना थ्री, तो ऑक्सीडेशन नंबर थ्री है, और बोरोन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं थ्री होते हैं, तो वो उसके इक्वल हुआ, इक्वल हुआ तो इसमें जो स्ट्रक्चर बॉन्ड होगा बी ओ बी बॉन्ड, मतलब एक्स ओ एक्स बॉन्ड। बात करें H की, H है फोर, फोर H है तो फोर ओ एच बॉन्ड होंगे, दो इस पे लगा दिए, दो इस पे लगा दिए। ठीक, अब देखें H हमारे पास कितने बचे हैं, कोई भी H नहीं बचा है क्योंकि फाइव ऑक्सीजन यहां, फाइव ऑक्सीजन यहां थे और फाइव ऑक्सीजन इसमें आ चुके हैं, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गई कंप्लीट।
बात करें इसकी, अगर यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, -12 यहां से, +4 यहां गया तो +8 बचा, बाय 2 करेंगे तो हो गया 4, और ये क्या है, मैक्सिमम बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरॉन के होते हैं 3, और ज्यादा है तो इसमें क्या होगा, XOOX बॉन्ड, मतलब BOOB बॉन्ड। अब देख लें H, H इसमें है 4, 4H है तो 4 OH ग्रुप होंगे, 2 इस साइड लगा दीजिएगा, 2 इस पे लगा दीजिएगा, कितने ऑक्सीजन, अब चेक कर लीजिए ऑक्सीजन कितने आ गए, ऑक्सीजन यहां आ चुके हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 6 ऑक्सीजन हमारे पास है, स्ट्रक्चर कंप्लीट। नेक्स्ट यहां देखिए कार्बन सेंट्रल एटम है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर चेक करिएगा, यहां से कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 8, तो +2 यहां गया बचा +6, बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 3, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 3, और कार्बन की बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो सकती है 4, तो ये इस समय क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल से कम आ रही है, और कम आ रही तो इसमें क्या होगा, CC बॉन्ड होगा, इसमें अब क्या होगा, XX बॉन्ड, ठीक, क्योंकि क्योंकि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, XX बॉन्ड। बात करें H की, H कितने हैं 2, तो 2H हैं तो 2 OH ग्रुप होंगे, एक इस कार्बन पर लगाइए, एक इस कार्बन पे। बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन हमारे पास 4 हैं, 2 हम यूज कर चुके हैं तो बचे 2, तो वो 2 क्या लग जाएंगे, डबल बॉन्ड से, अपनी बैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट। नेक्स्ट नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम यहां देखेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, ओ से आई कितनी -4, तो यहां गई +2 बची +2, +2 बाय 2 करेंगे तो +1, तो ये भी क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर से कम है, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के कितने 5, तो ये 5 से कम है, कम है तो इसमें भी क्या होगा, NN बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब देखते हैं H, H कितने हैं 2, तो 2 OH ग्रुप होंगे, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक। अब बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन इसमें क्या थे 2, और 2 ऑक्सीजन कंप्लीट हो चुके हैं, तो स्ट्रक्चर ये कंप्लीट हुई नहीं। नाइट्रोजन की अभी क्या देखनी है, इसमें इसमें देखनी है नाइट्रोजन की बैलेंसी। अब नाइट्रोजन की बैलेंसी इसमें कंप्लीट नहीं हो रही तो क्या होगा, अब और कोई एटम भी नहीं हमारे पास नहीं बचा जिसकी हमें क्या करने, इस बैलेंसी नाइट्रोजन की पूरी कर लें उस एटम को अटैच करके, और कोई एटम नहीं है और बैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही, तो इसकी भी बैलेंसी कितनी हो गई 2, इसकी भी कितनी हो गई 2, और नॉर्मल कितनी होती है 3, तो इसकी भी एक कम, इसकी भी एक कम, तो आप यहां क्या लगा देंगे, एक डबल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बात करें यहां पे, तो इसकी सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम निकालें तो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी, यहां से ओ की है -2 और ये 4, तो कितना हो गया -8, +2 यहां चली गई तो बची +6, बाय 2 करेंगे तो +3, 3 है तो वो क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर से कम है, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के 6, और कम है तो यहां पे क्या होगा, S बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं 2, 2 है तो 2 OH ग्रुप होंगे, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक। अब देखें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पे कितने हैं 4, 2 हम यूज कर चुके हैं तो बचे 2, 2 क्या होगा, वो डबल बॉन्ड से दोनों सेंट्रल एटम पे एक एक ऑक्सीजन लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए यहां पे अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालें तो वो कितने आएंगे +4, और +4 आएगा तो वो भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम है, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के 6, और कम है तो यहां भी क्या होगा, SS बॉन्ड प्रेजेंट होगा। H कितने हो गए 2, तो 2 OH बॉन्ड लगा देंगे, एक लेफ्ट एक राइट। अब देखें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने बचे हमारे पास 3, क्योंकि हम 2 यूज कर चुके हैं, 3 ऑक्सीजन बचे तो एक लेफ्ट एक राइट बचा 1, तो वो कोई से पे भी लगा सकते हैं, चाहे इस पे लगाइए चाहे इस पे लगाइए, मगर लगेगा डबल बॉन्ड के थ्रू, क्योंकि बैलेंसी क्या होनी है कंप्लीट। इस पे एक डबल बॉन्ड हमने लगा दिया, इस पे नहीं लगा तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन रह गए होंगे, तो वो क्या बना देगा, एक लोन पेयर। नेक्स्ट देखिए यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो वो कितनी आ जाएगी +5, +5 तो ये अभी भी कम है 6 से, तो इसमें भी क्या होगा, SS बॉन्ड प्रेजेंट होगा। H देख लो कितने हो गए 2, तो 2 OH ग्रुप हो जाएंगे, 2 OH ग्रुप हो गए। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें कितने हैं 6, हम यूज कर चुके हैं 2, तो कितने बचे 4, 4 का मतलब है कि 2 ऑक्सीजन इस साइड और 2 ऑक्सीजन इस साइड, डबल बॉन्ड के साथ, क्योंकि बैलेंसिंग कंप्लीट होनी है। नेक्स्ट बात करें यहां सल्फर की, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट यहां पे कितनी आ गई है +6, और +6 आ गई है तो अब ये इक्वल हो गई बैलेंस इलेक्ट्रॉन के, यानी कि अपनी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर के,
तो इस केस में जब इक्वल हो गया है ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस इलेक्ट्रॉन के, तो उस केस में क्या होगा, एस ओ एस बॉन्ड होगा, यानी कि एक्स ओ एक्स बॉन्ड। बात कर लें एच की, ये दो एच हैं, तो इस पे क्या होगा, टू ओ एच ग्रुप लगेंगे, एक लेफ्ट एक राइट लगा दीजिएगा। बचे ऑक्सीजन कितने, फोर, फोर ऑक्सीजन बचे हैं, तो दो इस सल्फर पे और दो इस सल्फर पे, डबल बॉन्ड के साथ। नेक्स्ट, यहां ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो वो कितनी आएगी, प्लस सेवन, प्लस सेवन आएगी, तो क्या होगा, इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है, अब ये मैक्सिमम पॉसिबल बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर से क्या हो गई, अधिक और अधिक हो गई है, तो इस केस में क्या होगा, एक्स ओ ओ एक्स बॉन्ड होगा, मतलब एस ओ ओ एस। देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हो गए टू, तो टू ओ एच ग्रुप, एक इधर एक इधर। बचे हमारे पास कितने ऑक्सीजन, फोर, फोर है, तो दो इस साइड लग जाएंगे और दो इस साइड लग जाएंगे डबल बॉन्ड के साथ, बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट, आपको बताया था अगर ये जो सेंट्रल एटम है इसमें एच होगा तो भी ठीक, नहीं एच होगा तो आप ऐसे समझेंगे कि कोई ऐसा ऑक्सी एसिड है जिसके पास एच नहीं है, जब एच नहीं है तो कोई ओ एच ग्रुप नहीं होगा, मगर ट्रीट उसी तरीके से होगा जैसे हम अभी तक करते आए हैं। इसके बैलेंस, इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करिए, वो कितना आ जाएगा, प्लस सेवन, और वो इक्वल है किसके, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि जो हैलोजन है सीएल उसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सेवन, सेवन हो गए। तो क्या होगा इसमें केस में, जब ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम पॉसिबल के इक्वल हो गई, तो उस केस में एक्स ओ एक्स बॉन्ड होगा, मतलब सीएल ओ सीएल। अब देखें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बचे सिक्स, सिक्स बचे तो थ्री इस पे और थ्री इस पे, कैसे, डबल बॉन्ड के साथ, ठीक। नेक्स्ट, सेम कहानी, यहां पे Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वो कितनी आएगी, प्लस सेवन, प्लस सेवन, और ये मैक्सिमम पॉसिबल के इक्वल है, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सेवन, तो इसमें भी क्या होगा, Mn O Mn बॉन्ड। बची ऑक्सीजन सिक्स, तो थ्री इस साइड लगा दीजिएगा और थ्री इस साइड। नेक्स्ट, क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर अगर यहां से सोल्व करें तो आएगी निकल के सिक्स, और वो मैक्सिमम पॉसिबल के इक्वल आ रही, क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के भी कितने होते हैं, सिक्स, तो इस केस में भी क्या होगा, एक्स ओ एक्स बॉन्ड आएगा, ठीक। देखें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने बचे हमारे पास, सिक्स, तो थ्री इस साइड लगाइएगा, थ्री इस साइड लगाइएगा। मैंने इस ऑक्सीजन की बैलेंसी डबल नहीं करी है क्योंकि यहां पे माइनस टू दिया है, माइनस टू का मतलब है कि दो ऑक्सीजन एटम ऐसे होंगे जिनकी बैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक, समझ गए। नेक्स्ट, एन, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालें तो ये कितनी आएगी, प्लस थ्री, और ये मैक्सिमम पॉसिबल से कम है क्योंकि बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं फाइव, और कम है तो हमारे पास क्या होगा, एन एन बॉन्ड होगा, एन एन बॉन्ड होगा, ठीक। अब बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, थ्री, तो क्या करें आप, दो एक साइड रख ले और वन एक साइड, मान लीजिए वन इधर वन इधर। अब इसकी बैलेंसी देखें तो वन टू थ्री, वन टू थ्री कंप्लीट हो चुकी है, मगर इसके पास क्या है, एक ऑक्सीजन और बचा है, तो उस ऑक्सीजन को लगाने के लिए हमें कोवेलेंसी कितनी करनी पड़ेगी, फोर, फोर करेंगे किससे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, क्योंकि इसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर, जो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। रहा इस नाइट्रोजन की बात, तो उसके पे कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन रहा, तो उसका लोन पेयर ऐसे का ऐसा ही रहेगा। देखें यहां, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, फोर, जो ये भी कम है किससे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन से, और कम है तो इसमें भी क्या होगा, एन एन बॉन्ड होगा। और अब बचे ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन है तो दो इस साइड लगा लीजिएगा, कैसे, एक डबल बॉन्ड से और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अभी मैं बता चुका हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से क्यों लग रहा है, क्योंकि इसकी अगर डबल बॉन्ड से लगा दिया हमने इसको तो बैलेंसी पांच हो जाएगी, जो इम्पॉसिबल है, तो इसलिए क्या करेगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है क्योंकि इसके पास क्या होता है, एक लोन पेयर। नेक्स्ट, N2O5 की इसकी बैलेंसी अगर उस ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो कितनी आ रही, प्लस फाइव, जो इक्वल है किसके, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के, और इक्वल है तो इस केस में क्या होगा, एक्स ओ एक्स बॉन्ड होगा, मतलब एन ओ एन बॉन्ड। देखिए इसको वैसे अगर स्टेट लगाएंगे तो स्टेट नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसकी हाइब्रिडेशन के यहां पे क्या होती है, sp3, तो बॉन्ड एंगल 180 नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा बैंड कर दिया करो, या तो ऊपर को या नीचे को। बात करें ऑक्सीजन की, एक हम यूज कर चुके हैं, चार हमारे पास बचे, तो दो इस पे, एक एक तो डबल बॉन्ड से और एक एक किससे लग जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, ठीक है, बस कंप्लीट।